हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न रिद्धिमन। तो देखिए, आज हम फिर से करने वाले हैं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक मैंने आपको बताया था किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपने पिछली क्लास में नहीं किए। ठीक है, 21 देखें क्वेश्चन। आश्रित तो पार्थक्य की नीति के तहत 1817-18 की संधियां कराने में अहम भूमिका निभाई। किसने निभाई यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका? कर्नल जेम्स टॉड ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या मेटकॉफ ने? तो सोचिए इसमें से सही आंसर क्या होगा। जो बच्चे आंसर देते हैं वेरी गुड, जो नहीं देते हैं तो कृपया करके आप लोग भी आंसर दिया करिए, इससे आपका ही फायदा होगा। क्योंकि यदि आप सही आंसर देते हैं इसका मतलब आपको याद है, यदि आप नहीं भी देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो आपको यहाँ सही आंसर का पता चलेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को डाउट था, तो उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है मेटकॉफ। ठीक है, 1817-18 की जो संधि होती है अंग्रेजों के साथ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे मेटकॉफ। ये भी याद रखिएगा कि ये जो आर्थिक आश्रित पार्थिक्य नीति कहें इसको, या अधीनस्थ पार्थिक्य की नीति कहें, तो इसको स्वीकार करने वाली पहली जो रियासत थी वो थी करौली। ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई? आउवा, एरनपुरा, नसीराबाद या देवली? सोचिए इसमें से सही आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो है 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और लास्ट कौन सी थी? खेरवाड़ा। ठीक है, ये 6 सैनिक छावनियां थी। 6 बिल्कुल आपको नाम जो है वो याद रहने चाहिए इन सभी 6 के। इसमें से दो जो छावनियां थी कौन कौन सी? एक तो ब्यावर और दूसरी खेरवाड़ा। इसने क्रांति में भाग नहीं लिया, महत्वपूर्ण लाइन है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहां पूछा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई, तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा नसीराबाद। डेट आपको याद रखनी है 28 मई 1857। ठीक है, ये आपको याद रहेगी। उसके बाद नसीराबाद से नीमच जो होती है क्रांति 3 जून 1857, और एरिनपुरा के बारे में महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि यहां के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। तो ये सभी महत्वपूर्ण लाइन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे, महाराजा राम सिंह थे या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे? तो सोचिए इसमें से सही आंसर क्या रहेगा। सभी आंसर दिया करिए, मैं कमेंट में देखती हूँ। कुछ ही बच्चे जो जो कि रेगुलर रहते हैं वो लोग आंसर देते हैं, बाकी बच्चे भी रेगुलर रहते हैं लेकिन आंसर देने में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, आलस करते हैं। आता है फिर भी आपको आंसर देना है, नहीं आता है फिर भी आपको आंसर देना है। तो यहां पर जो है क्या रहेगा सही आंसर, तो देखिए यहां रहेगा आंसर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो सेना थी उसको पराजित किया था। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, जल विद्युत परियोजना से या भित्ति चित्रों से? तो बिल्कुल पढ़ाई जो है वो आप लोग रेगुलर करते रहें, जिसने नहीं की है स्टार्ट कर दें, क्योंकि यदि आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो और बच्चों से पीछे रह जाएंगे और एक एक नंबर जो है वो आपको पीछा कर देगा बहुत सारे बच्चों से। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो 80% जो है वो तैयारी करें और फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसे नहीं करना है। मेहनत भी आपकी होगी, पैसा भी आपका खर्च होगा और फिर भी सिलेक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। 100% तैयारी करनी है जिससे कि आप सिलेक्ट हो
हो सको और बार बार आपको जो है वो तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि लास्ट देखिए 2 सालों से तो ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट की वजह से परेशान हैं, खुद की वजह से परेशान नहीं हैं, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। और कई बच्चे क्या सोचते हैं, बिल्कुल नया सिलेबस हो चुका है, अब हम नए सिलेबस को जो है पुराने नोट्स उठा के हम जो है साइड कर देंगे, दोबारा से हम नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं, नोट्स आप एक बार बनाएं, प्रॉपर बनाएं, जो कि आपकी जो है लंबे टाइम तक उसी को आप बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। और जो कुछ नया मिलता है उसमें ऐड करते चलें। कहीं से भी कोर्स आप कर रहे हैं, कहीं से भी, किसी भी चैनल से कर रहे हैं, किसी भी जो है कोचिंग से कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास करें और वही पढ़ें। ऐसा नहीं एक कोचिंग से हमने ये चीज पढ़ ली, उसी दूसरी कोचिंग से हम जो है उसको पढ़ रहे हैं, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कौन सा बेटर है, ऐसा नहीं। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है तो आपको भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, खुद के ऊपर करना होगा। किसी भी कोचिंग से नहीं कर रहे हैं, खुद पर विश्वास करें, सेल्फ स्टडी करें, खुद के नोट्स तैयार करें, अभी से ही लग जाएं। तो यहां आंसर रहेगा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ राजस्थान में, तो ये बिथौड़ा नामक स्थान जो है वो इसी से संबंधित है। याद आया होगा आपको कि 8 सितंबर 1857 यहां पर बिथौड़ा नामक स्थान पर जो है कुशाल सिंह की सेना जो है वो जोधपुर की सेना को पराजित करती है, ठीक है। और जोधपुर की सेना की जब पराजय हो जाती है तो उसके बाद यहां पर जो है जो एजीजी था, कौन, लॉरेंस, वो आता है अपनी सेना लेकर और उसके बाद जो है आउवा पर अटैक करता है 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसी दौरान जो है जो ये गोरे काले का युद्ध होता है, जिसे चैलावासा का युद्ध कहा जाता है, इसी में एक जो है वो मारा जाता है पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम क्या था, मॉक मैसन था या मैक मैसन जो है वो आप लिखते हो, ठीक है। रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दो महत्वपूर्ण नाम जो कि किसान आंदोलन से संबंधित हैं। धाकड़ जो थे, धाकड़ जाति किससे संबंधित थी, ये सभी जानते हो आप, तो आंसर बताइए बीकानेर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या बिचोलिया किसान आंदोलन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ये होगा बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया के बाद जो है वो बेंगू किसान आंदोलन होता है और रूपा जी कृपा जी धाकड़ जो है इसी से संबंधित है। धाकड़ जाति के किसान जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी संबंधित है। नेक्स्ट देखें 26 क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन संबंधित है जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। सबको आंसर देना है इसका, ट्रेंच कमीशन संबंधित है, सभी अपना आंसर जो है वो दें, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हमें नहीं आता है तो हम आंसर नहीं देंगे, आपका जो मन कर रहा है, जो आपने पढ़ा है पहले तो वो आप दें। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। अभी हमने पढ़ा रूपा जी और कृपा जी धाकड़ इसी किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। बेंगू है कहां पर, बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ में, याद रखिए। और यहां पर जो किसान आंदोलन होता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित तो होकर ही यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में एक जगह है मेनाल, यहीं पर, तो इस स्थान पर जो है वो किसानों से क्या हो रहा था, लाग वाग, उनकी लगान जो थी बहुत ज्यादा जो है उनसे वसूली जा रही थी यहाँ के जमींदार के द्वारा। जमींदार कौन था, उसका नाम क्या था, अनूप सिंह, ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो नेतृत्व करते हैं बेंगू किसान आंदोलन में, ये नाम याद रखें, राम नारायण चौधरी। कौन है यहाँ पर, राम नारायण चौधरी, ठीक है। तो अब जो है नेतृत्व करते हैं, तो बाद में अनूप सिंह और जो किसान थे उनके बीच में जो है वो समझौता होता है, कुछ लागतों को कम भी किया जाता है, इसको जो है बोल्शेविक समझौता का नाम दिया जाता है। अनूप सिंह और जो किसान थे उनके बीच में जो समझौता होता है उसको क्या नाम दिया गया, बोल्शेविक समझौता नाम दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि ये जो आंदोलन जो है वो बिल्कुल समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही लागतें जो है वो कम की गई, लगान कम किया गया, तो आंदोलन की जांच के लिए जो है एक ट्रेंच आयोग जो है इसका गठन किया जाता है,
ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, इसका बहिष्कार कर देते हैं। और फिर क्या होता है, 1923 में, 23 जुलाई 1923, ये लगभग डेट जो है, तो किसानों के ऊपर क्या किया जाता है कि ट्रेंच के द्वारा जो है वो लाठी चार्ज किया जाता है। तो जो हमने दो अभी नाम पढ़े थे, रूपा जी और कृपा जी, तो इसमें जो है ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो विजय सिंह पथिक जो है, ये यहाँ पर आकर जो है वो बागडोर संभालते हैं बाद में आकर। नेतृत्वकर्ता कौन थे, राम नारायण चौधरी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सभी चीजें मैंने आपको बताई। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जोधपुर। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार मुझे आंसर जो है वो बताना होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बीकानेर बताना होता है, लेकिन क्या होता है गलती से मैं बांसवाड़ा बता देती हूँ। इस चीज को आप जो है बिल्कुल माइंड में मत रखा करिए, क्योंकि अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका सटीक उत्तर मैं आपको बाद में दूंगी ही, ठीक है। इंसान ही हूं और कई बार गलतियां हो भी जाती हैं, तो इस चीज को बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि ये जो है वो गलत हो गया। आप बिल्कुल कमेंट करते हो, आपका अधिकार है, आप लोग कमेंट करके जो है वो बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उसका जो है सॉल्यूशन भी करूंगी। अब बताइए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठीक है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, वर्धा में, ब्यावर में, जोधपुर में या अजमेर में। फटाफट से सोचिए इसका सही आंसर कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई 1919 में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं, वहां पर जो है ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पर जो है वो इस तरीके से मैचिंग का क्वेश्चन में ये पूछा गया है, चाहे वो 1919 का राजस्थान सेवा संघ हो या वीर भारत सभा हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो देखिए यहां पर जो रहेगा सही आंसर वो है वर्धा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में होती है, कब होती है, 1919 में होती है, किसके द्वारा की जाती है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर केवल एक ही नाम देता है, विजय सिंह पथिक, तो आपका जो है आंसर सही होगा। इसके अलावा जो है अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहठ, ये भी नाम यदि आपको यहां लिखे मिले तो ये भी सही होगा, ठीक है। विजय सिंह पथिक का तो देंगे ही, इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहठ देते हैं तो ये भी सही होगा, इनके साथ मिलकर की थी उन्होंने, ठीक है। और इसी संस्था ने जो है वो राजनीतिक चेतना के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इसका उद्देश्य क्या था, जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करना। पन्ना धाई ने जिसके जीवन को बचाया वह था, राणा सांगा, उदय सिंह, रतन सिंह या प्रताप। तो देखिए ये भी मेवाड़ के शासक हैं, ठीक है, उदय सिंह भी मेवाड़ के शासक हैं और रतन सिंह भी मेवाड़ के शासक हैं और प्रताप सिंह भी मेवाड़ के शासक हैं। अब यहां पर ये जो है राणा सांगा लगाते हैं, राणा उदय सिंह लगाते हैं, राणा प्रताप लगाते हैं, राणा रतन सिंह क्यों नहीं लगाते हैं, सोचिए इसका आंसर। ये सभी मेवाड़ के शासक हैं लेकिन रतन सिंह जो हैं ये अपने नाम के आगे राणा क्यों नहीं लगाते थे। देखिए मेवाड़ में जो शासन था वो सबसे पहले गुहिल वंश का शासन था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गुहिल वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, रावल लगाते थे, ठीक है, तो ये रावल शाखा के थे। उसके बाद गुहिल वंश जो है वो आगे चल के सिसोदिया वंश में परिवर्तित हो जाता है,
गोहिल वंश के अंतिम जो शासक थे ये यही थे, रावल रतन सिंह, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो गोहिल वंश जो है सिसोदिया वंश में ही परिवर्तित हो जाता है, मेवाड़ के ही शासक हैं, और ये अपने नाम के आगे क्या लगाने लगते हैं, राणा लगाने लगते हैं, महाराणा लगाने लगते हैं। राणा सांगा है, राणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, राणा कुंभा है, राणा मोकल है, राणा लाखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आप ध्यान में रखें, ये सभी मेवाड़ के ही शासक हैं। पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया था, तो सही आंसर क्या होगा, उदय सिंह, ठीक है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, लाड़कवर ने, कर्णावती ने, उत्तम दे ने या प्रीमल देवी ने, बताइए किसने बनवाई। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो देखिए बिल्कुल जिनको पता है उन्होंने आंसर जो है वो लगा दिया, और आंसर है प्रीमल देवी। जिनको नहीं पता है याद कर ले, डूंगरपुर में है नौलखा पावड़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, किसने निर्माण करवाया इसका, प्रीमल देवी ने, ठीक है। और ये प्रीमल देवी कौन थी, याद रखिए कि जो महारावल आसकरण थे, महारावल आसकरण, तो इनकी पटरानी थी प्रीमल देवी, ठीक है, या प्रीमल देवी। ये बावड़ी है कहां पर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, कुंभल देवी, कर्णावती, पद्मिनी या प्रेमल देवी। फटाफट से जो है सोचें और अपना जो है वो सही उत्तर दें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है रानी कर्णावती। नेक्स्ट देखें 32, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह रानी कौन थी, ऐसी बहादुर रानी का क्या नाम था, रानी हाड़ा या हाड़ी रानी, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी करमवती। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, देखिए तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हाड़ी रानी या रानी हाड़ा। अब क्या था कि इनके जो पति थे कौन, सलूम्बर के रतन सिंह जो थे, मेवाड़ में ही आता है ये, रतन सिंह जो थे इनसे इनका जो है वो विवाह हो जाता है। तो यहां पर इनका जो मित्र थे कौन, मेवाड़ के राज सिंह प्रथम, राज सिंह फर्स्ट। तो इनका औरंगजेब से जो है वो बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जो है एक वजह से औरंगजेब से इनका मनमुटाव हो जाता है कि ये क्या करते हैं कि औरंगजेब के जो है वो विवाह होने वाला था चारुमती से। चारुमती खुद भी नहीं चाहती थी कि औरंगजेब से विवाह करे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो पत्र लिखा मेवाड़ के राज सिंह प्रथम को चारुमती ने कि मुझे जो है यहां से ले जाएं। तो मेवाड़ के जो राज सिंह हैं वो चारुमती को लेने के लिए जाते हैं, तो औरंगजेब की सेना जो है इनको आक्रमण करने के लिए आती है। तो ये जो है हेल्प मांगते हैं इनसे, सलूम्बर के रतन सिंह से, ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो सेना है उसको जो है रोक के रखें और मुझे जो है चारुमती से विवाह करना है, मुझे इनको लेकर आना है। तो रतन सिंह जो है वो बिना सोचे समझे जो है तैयार हो जाते हैं कि मेरे दोस्त को जो है वो मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे चलना चाहिए। तो ये जो है चल देते हैं, और इनकी जो शादी है वो अभी हाल ही में हुई थी, यानी कि एक जो है सप्ताह भी नहीं बीता था इन दोनों की शादी नई नई हुई थी। अब मेवाड़ के राज सिंह ने, इन्होंने कहा सलूम्बर के रतन सिंह को कि भाई औरंगजेब जो है वो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, यहाँ मुझे चारुमती से जो है वो विवाह करना होगा, ठीक है। तो रतन सिंह क्या करते हैं, बिल्कुल चल देते हैं तैयार होके, और जो अपनी रानी है उनसे कहते हैं कि मैं जो है युद्ध में जा रहा हूं, मुझे कोई निशानी दे दो, ठीक है, ताकि मुझे आपकी याद ना आए। तो ये क्या करती हैं, वो एक बार निशानी मांगते हैं तो वो उनको कुछ नहीं दिखता है, तो वो क्या करती हैं अपना सर ही काट कर जो है वो दे देती हैं। तो ये जो है इनकी स्टोरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इनका नाम जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी रानी थी जिनके पति ने निशानी मांगी युद्ध में जाते समय, तो उन्होंने अपना जो है वो शीश काट कर ही भेंट कर दिया, ठीक है। तो तभी से जो है ये रानी हाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहां पर जो है वो महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं, किसकी पत्नी थी, सलूम्बर रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है, मेवाड़ के ही, मेवाड़ के राज सिंह जो है ये इनको बोलते हैं जाने के लिए, ठीक है, और इन्हीं की हेल्प के लिए जो है युद्ध में जा रहे थे। मेवाड़ के राज सिंह फर्स्ट जो है
तो वो किससे विवाह कर रहे थे? चारुमति से। चारुमति कौन थी जिससे औरंगजेब की पहले शादी होने वाली थी? इसी वजह से मेवाड़ के राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, जैसे हाड़ी रानी है उसी तरीके से रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में पद्मावती, कर्मावती, उमादे या रूपमती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रूठी रानी के नाम से पूछ लिया जाता है या हाड़ी रानी के नाम से पूछ लिया जाता है और उमादे उसमें आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाड़ी रानी अलग है और रूठी रानी अलग है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा उमादे, ठीक है। उमादे जो कि अजमेर के तारागढ़ में जो है वो चली जाती हैं अपने पति से जो है वो रूठ कर, और यहाँ पर जीवन पर्यंत रहती हैं और अंत में जो है वो अपने पति के साथ शहीद भी हो जाती हैं, लेकिन जीवन पर्यंत ये रूठी रहती हैं तो रूठी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाती हैं। इनको मनाने के लिए भी कई बार जो है वो भेजा भी जाता है लेकिन फिर भी ये नहीं आती हैं, तो ये रूठी रहती हैं इसीलिए इनका नाम रूठी रानी पड़ा। तसीमो कांड का संबंध है करौली से, अलवर से, धौलपुर से या भरतपुर से? अब कई चीजों को देखिए बार बार पढ़ते हैं हम, बार बार क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपने नोट्स को बार बार देखते हैं, वो चीजें हमें ऐसे लगने लगती हैं कि ये तो रोज की चीजें हैं, हमें याद हैं, यानी उस पर जो है वो हमें बिल्कुल जोर नहीं देना पड़ता है। अंतिम टाइम में जब रिवीजन होती है तो ये सोचिए शॉर्टकट में हम लोग रिवीजन करते हैं, फटाफट फटाफट जो है वो निपटा लेते हैं। क्यों निपटा लेते हैं? क्योंकि हमने उन चीजों को कई बार पढ़ लिया है। अब जब हम शॉर्ट नोट्स जब तैयार करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, आपके जो नोट्स हैं डिटेल में उन्हीं में जो है वो यदि आप अंडरलाइन करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद नहीं होती है, उसी पर जो है वो आप क्या करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है, और बार बार आपकी आंखों के आगे रहेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएंगे। तो यहां आंसर रहेगा तसीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर जिले से। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, रमा देवी, अंजना देवी, नगेंद्र बाला, रतन शास्त्री, सभी महत्वपूर्ण नाम है। यहाँ पर रमा देवी महत्वपूर्ण नाम है, अंजना देवी महत्वपूर्ण नाम है, रतन शास्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अंजना देवी, ठीक है। देखिए लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन, जरायम पेशा कानून में स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद कब किया गया? यहां पर देखिए मैंने एक्ट नहीं पूछा है कि जरायम पेशा कानून जो ये जो एक्ट है ये कब बना, ये नहीं पूछा है। जब आपका आंसर जो है वो 1924 होता, तो यहां पर जो है इस कानून के अंतर्गत जयपुर में स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद किया गया कि उनको जो है वो आना पड़ेगा, अपनी जो है वो हाजिरी देनी होगी। तो ये जो सन है वो है 1930, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आज हमने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं यदि आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके आप ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से, नेक्स्ट टॉपिक हम कोई और लेंगे और आपकी तैयारी जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।